ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आज मिलते हैं इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में और आज हम लोग बात करते हैं न्यू इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आज का इंस्ट्रक्शन है हमारा मैथ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा बेसिक इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे मैथ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग यूज़ करेंगे इंस्ट्रक्शंस का, पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो जैसे ही यहाँ पे ऐसे करके इसको इनलार्ज किए तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कैलकुलेट, उसके बाद है ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मोड, निगेट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एब्सोल्यूट। इस तरीके से सब सारा मेन इंस्ट्रक्शन है। तो अब इसका यूज़ कैसे करते हैं इसको हम लोग देखेंगे यहाँ से वन बाई वन। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि एक स्विच, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, और एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे ले लेने के बाद में उसके बाद यहाँ से इंस्ट्रक्शन को हम जस्ट ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ला करके प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब इस इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करते हैं जस्ट ये देखना है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई आउटपुट को कनेक्ट करें तो कर सकते हैं ENO पे, है ना, अदरवाइज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, एज ए इनपुट एज ए आउटपुट पोर्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले तो एक EN पोर्ट है, EN का मतलब इनेबल, जो कनेक्टेड है आपका एक स्विच से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपका एक इनपुट पोर्ट, यहाँ पे देखिए क्या है, एक इनपुट पोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक मतलब इनपुट वन है, इनपुट टू है, ठीक है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे आ जाइएगा तो एक आउटपुट साइड में पोर्ट है ENO, इनेबल आउटपुट, ठीक है। और एक और पोर्ट है आउट। अब इस आउट में क्या करते हैं और नहीं करते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करते हैं वो ये करेंगे कि सबसे पहले सबको जो एड्रेस है वो दे देते हैं। और दूसरी बात, ऊपर में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है। तो क्वेश्चन मार्क्स है तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ नहीं करते, इस पर क्लिक करके और इसका डेटा टाइप को चेंज कर देते हैं इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे आ करके इसमें इनेबल में मतलब ये जो स्विच, जो इनेबल से जो स्विच कनेक्टेड है, इस स्विच का हम यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं I0.0, इसका सबसे पहला एड्रेस दे देते हैं, ठीक है, ओके। और एड्रेस देने के बाद में यहाँ पे इनपुट वन, इनपुट टू, तो ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है ना। तो इसको दो इनपुट दे देते हैं, तो दो इनपुट देने के लिए हम यहां पे इसको क्या करते हैं, एक इनपुट में हम दे देते हैं 4 और दूसरा इनपुट में हम इसको दे, क्योंकि 4 मेरा इंटीजर है, ठीक है ना, तो दूसरा में हम दे देते हैं यहां पे 2, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसको ऐसे करके दे दिए। हम चाहते हैं कि इस दोनों का प्रोसेस करके और तुम कहां पे स्टोर करो, आउटपुट में। तो आउटपुट में हमको क्या करना होगा जी, या तो आप डायरेक्टली कुछ मत दीजिए, तब वो वैल्यू को वहाँ पे शो करेगा, बट शो तो करेगा बट वो उस वैल्यू को वो स्टोर नहीं करेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक मेमोरी लोकेशन देना पड़ेगा। तो इसको हम क्या देते हैं, MW ऐसे करके, और एक मेमोरी का एड्रेस दे देते हैं 10 और इसको इंटर करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे MW 10 से यहाँ पे क्या किया है, एक मेमोरी लोकेशन यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए ऑट इज इक्वल टू, यहाँ पे इनपुट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि इसको लिखिए, लिखना क्या है भाई, तो लिखना कुछ इस तरीके से है, मतलब क्या कि इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 इनटू इनपुट 1 माइनस इनपुट 2, ऐसा है एक मतलब कहने का मतलब है कि उसका जो ऑपरेशन आप करवाना चाहते हैं वो ऑपरेशन करेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि यहीं पे हम इसको लिख देते हैं ऐसे करके, ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि इनपुट ऐसे करके इनपुट वन, तो यहाँ पे लिखते हैं IN1, ठीक है, इसको करो प्लस, ठीक है, इसको करो प्लस, और इसको फिर से करो IN2, मतलब इनपुट वन और इनपुट टू को तुम क्या करो, प्लस करो, ठीक है। तो प्लस से अच्छा है कि इसको हम कर दे मल्टीप्लाई, सो दैट की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है ना, वैल्यू इसको मल्टीप्लाई, इसको जेड करिए और इधर में आ करके इसको हटाइए, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे इसको करिए मल्टीप्लाई और यहाँ पे इसको रहने दीजिए आई, ठीक है ना। अब इनपुट वन इंटू इनपुट टू इसको ऐसे कर दिए, ठीक है, और इसको यहाँ से कर दिए क्या, मतलब ब्रैकेट को बंद कर दिए, मतलब इनपुट वन इनपुट टू को मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करो, तो
ओह, मल्टीप्लाई करने के बाद तुम क्या करो, तो यहाँ पे आ करके इसको जस्ट तुम प्लस करो। यहाँ पे आकर के देखिए इसको क्या करते हैं, प्लस करवा देते हैं। प्लस करो और प्लस करके क्या करो भाई, तो यहाँ पे आकर के फिर से इसमें हम क्या करते हैं कि इनपुट वन, आई एन इनपुट वन, ठीक है, माइनस माइनस क्या करो इनपुट टू, आई एन इनपुट टू करके, और तुम मेरे को क्या करो इसका रिजल्ट दो। मतलब अब हम इनपुट आउटपुट में जो भी वैल्यू देंगे उसका ये क्या करेगा, इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ओके, ठीक है। अब जैसे ही इसको हम रन करेंगे तो ये देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, इनपुट वन इनपुट टू, तो देखिए चार दुना आठ, ठीक है, आठ करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा जी, इनपुट फोर माइनस टू, तो कितना होगा टू, तो आठ और दो दस, मतलब टेन आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको अब हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे आकर के चलिए इसको तो मतलब कर लिए हैं, तो इसका आंसर टेन आएगा ओके। उसके बाद हम एक चीज़ और करते हैं, यहाँ से हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और इसके बाद हम करेंगे क्या, तो दूसरा इंस्ट्रक्शन लेते हैं जो मेरा ऐड है। तो यहाँ पे आकर के जस्ट यहाँ पे ले लिए ऐड, और ऐड के बाद हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे आ करके इसमें भी एक स्विच ले लेते हैं और यहाँ पे इसको जस्ट कनेक्ट कर देंगे। और इस स्विच को यहाँ पे आ जाने के बाद में इसका एक एड्रेस दे देते हैं क्या, आई आई इसको दे देते हैं 0.1, यहाँ पे आकर के इसको i 0.1 दे दिए, दूसरा स्विच दे देते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि इस ऐड इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, एक इनेबल है जस्ट प्रीवियस इंस्ट्रक्शन की तरह, एक इनपुट वन है, एक इनपुट टू है, यहाँ पे भी एक ENO है और एक ऑट है, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है, ऐड, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आकर के इसका डेटा टाइप बताएंगे कि ऐड जो करेंगे किसका करेंगे। यहाँ से आप डेटा टाइप मतलब फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, किस तरीके का आपका वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप चेंज करिए और उसको ऐड करिए और देखिए, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के इनपुट वन में हम देते हैं यहां पे कितना 15, पहला में हम 15 दिए, और इसमें हम क्या करते हैं, तो यहां पे आकर के इसको हम दे देते हैं 14, ठीक है। दोनों में देखिए दोनों में दो अलग अलग हम लोग क्या किए हैं, इनपुट दिए हैं ओके। और इनपुट देने के बाद इस आउटपुट पोर्ट पे हम क्या करें कि यहाँ पे एक दूसरा मेमोरी वैल्यू मतलब मेमोरी का वैल्यू देते हैं MW, इसको हम कर देते हैं कितना 11, ठीक है, ये दूसरा मेमोरी लोकेशन दिए यहाँ पे, ठीक है ना। और जैसे ही इसको हम दिए तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस दोनों को देखना चाहते हैं कि दोनों का जो रिजल्ट है वो देता है या नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, सबसे पहला जो काम हम यहाँ पे करेंगे वो ये करेंगे कि इसको हम यहाँ से आ करके डाउनलोड करते हैं, ठीक है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले, या चाहे तो और भी सबको हम यहाँ पे कर करके देख सकते हैं। तो एक बार में हम चलिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस है पहले सबको हम यूज ही कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, सबको एक मतलब अलग अलग एड्रेस नहीं, सबको एक एड्रेस से ही कनेक्ट करते हैं, मतलब इसका जो एड्रेस इस बार दे देते हैं i 0.0 ही देते हैं हर एक जगह पे, क्योंकि जैसे ही उस स्विच को हम ऑन करेंगे सब अपना अलग अलग क्या करेगा, ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आकर के तीसरा एक कॉन्टेक्ट इसको भी दे देते हैं, ठीक है, और इसको भी कनेक्ट करते हैं किससे, सब्सट्रैक्ट से। तो जब सब्सट्रैक्ट से कनेक्ट करेंगे तो यहां पे भी आकर के एड्रेस सेम ही दे देंगे i 0.0, ठीक है, इसको एंटर किए। और सब्सट्रैक्ट में हम यहां पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले आकर के इसका डेटा टाइप को चेंज करेंगे इंटीजर, और सब्सट्रैक्ट में क्या करते हैं जी, तो यहां पे कर देंगे इसको हम करते हैं 15 माइनस 15, हाँ इनपुट वन में 15 और इनपुट टू में इसको हम दे देते हैं यहाँ पे कितना 7, ओके 7 दे दिए हैं, तो 7 दे दिए हैं। तो ये बोला कि यहाँ इसका आउटपुट में क्या होगा, तो MW इसको 12 कर देते हैं, ठीक है, MW 12 कर दिए ओके, यहाँ पे आ जाएगा। अब सब्सट्रैक्ट के बाद में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेरा है वो है आपका मल्टीप्लाई, तो फिर से मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लेते हैं। मल्टीप्लाई में फिर से हम यहाँ पे एक स्विच कोड लेंगे और स्विच का जो एड्रेस है वो कहीं ना कहीं सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे i 0.0, क्योंकि एक ही स्विच से हम सबको ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि सब तो मतलब एक ही तरीके से काम मतलब तरीके से काम करेगा, मतलब सब मैथमेटिकल ऑपरेशन को ही परफॉर्म करेगा, बट क्या होगा, एडिशन अपना ऐड करेगा, सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेगा, डिवीजन डिवाइड करेगा, जो भी है वो अपना करेगा, राइट। उसके बाद यहां पे क्या हो रहा है भाई,
तो यहाँ पे आकर के सबसे पहले तो इसका हम डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं इंटीजर, और यहाँ पे इनपुट में आकर के इसको हम दे दे रहे हैं मल्टीप्लाई है ना, तो इसको दे देते हैं हम मतलब 8, इनपुट 1 में दे दिए हैं 8 और इनपुट 2 में दे दिए हैं कितना 4, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट स्टोर कहाँ पे करो भाई, तो MW13 में तुम रिजल्ट को स्टोर करो, ठीक है ऐसा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद मेरा कौन सा है भाई, डिवाइड, तो डिवाइड पे यहाँ पे आकर के क्लिक करके इसको ड्रैग किए और फिर से एक कॉन्टेक्ट लेकर के इसको यहाँ पे प्लेस किए। यहाँ पे आ जाने के बाद में इनपुट का एड्रेस विल रिमेन द सेम I0.0, ठीक है। और इनपुट 1 में डिवाइड में हम क्या देते हैं, यहाँ पे देते हैं इसको 20, इसको देते हैं 20, ठीक है। और इनपुट 2 में यहां पे आकर के इसको देते हैं कितना 2, ठीक है 2। तो ये बोल रहा है कि डेटा टाइप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे हमने डेटा टाइप को चेंज नहीं किया है, तो सबसे पहले यहां पे डेटा टाइप को चेंज करेंगे, एक्सेप्ट कर लेगा। यहां पे क्लिक करेंगे कितना MW, इसको क्या करेंगे 13 है ना, 14 मेमोरी, ऐसे ही करके बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है मेमोरी का एड्रेस लेने में। डिवीजन, डिवीजन के बाद क्या है जी मॉड, तो मॉड में हम लोग क्या करेंगे, मॉड में ये बताएगा नीचे का, तो सबसे पहले जो है यहां पे फिर से इस मॉड इंस्ट्रक्शन को यहां पे लाएंगे, ओके। और मतलब मॉड इंस्ट्रक्शन में बताता है जो उसका जो रिमाइंडर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आकर के फिर से एक इनपुट को ऐसे करके ड्रैग किए और ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा I0.0, ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं कितना 14, ठीक है। और यहाँ पे कितना देते हैं भाई, यहाँ पे देते हैं 5, यहाँ पे दे देते हैं इसको 5, ठीक है ओके। और यहाँ पे इसका डेटा टाइप को चेंज करके करते हैं इंटीजर, और यहाँ पे इसका जो मेमोरी एड्रेस होता है वो MW कितना देते हैं भाई 15, ओके ठीक है, इसका 15 दिए। मॉड के बाद क्या है निगेट, अब निगेट इंस्ट्रक्शन क्या करता है भाई, तो जो इसका वैल्यू होता है उसको जस्ट क्या करता है, सिर्फ निगेट करता है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज करता है, मतलब पॉजिटिव रहेगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आकर के फिर से I0.0 इसको देते हैं और इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के इसको देते हैं +5, ठीक है। और ये स्टोर कहाँ पे करेगा, तो हम बोलें कि MW16 में तुम इसको स्टोर कर दो, ओके। और इसका डेटा टाइप, तो डेटा टाइप हम बोले ठीक है इंटीजर, ठीक है ऐसा निगेट, ये हो गया। निगेट के बाद क्या है, तो एब्सोल्यूट को यहाँ पे आकर के इसका इंटीजर है और इस इंटीजर को मान लीजिए कुछ वैल्यू दे देते हैं 5, तो ए एक्सेप्ट करेगा 5। और इसका एब्सोल्यूट तुम दिखाओ यहाँ पे कितना MW17 में, तो MW17 इसको दिखा दो, ठीक है ना। यहाँ पे इतना सारे ये दो इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, इसको हम लोग अलग सेशन में करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इतना के बाद हमको करना क्या है, तो यहाँ आ जाने के बाद हर एक इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर लिए हैं, ठीक है ना। इसका एड्रेस भी सेम दिए हैं, ओके वेरी गुड। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है ना। जैसे ही मेरा कंपाइल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हर एक इंस्ट्रक्शन को चेक करके देखेंगे। यहाँ पे इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम लोग हर एक इंस्ट्रक्शन को मतलब 1x1 करके चेक करेंगे कि जो भी इसका मतलब एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। जस्ट इसको समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे आकर के फिर गो ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और गो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये रन मोड में आता है, देखिए ग्रीन हो जाना मतलब इंडिकेट करता है कि ये रन मोड में आ चुका है। तो रन मोड से सिमुलेशन मोड में जाने के लिए फिर से यहाँ पे हम लोग मॉनिटरिंग ऑन ऑफ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किए अब मेरा देखिए ये क्या है, ऑन ऑफ हो चुका है। हम क्या करेंगे सिंपली, देखिए अभी जैसे इस स्विच को हम ऑन नहीं किया है क्योंकि हर एक स्विच का एड्रेस क्या है, सेम ही है, देख रहे हैं ना सेम है। तो अभी सबका अगर आप आउटपुट को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 0 है ना, 0 यहाँ पे भी 0, हर एक में 0, हर एक में 0, क्यों, क्योंकि कोई प्रोसेस अभी हुआ ही नहीं है। तो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो बेहतर ये भी होता है कि आप अगर आपके पास मल्टीपल स्विचेस है तो मल्टीपल स्विचेस को ऑन करिए, तो मतलब अलग अलग टाइमिंग में ये मतलब अपना इंडिविजुअल ऑपरेशन को रिफ्लेक्ट करेगा। बट यहाँ पे क्या है, हमने कॉमन स्विचेस लिया, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो क्या करेगा, सब मिलकर के सेम टाइमिंग में जो जिसका इंडिविजुअल ऑपरेशन है उसको वो परफॉर्म करके इस आउटपुट में क्या करेगा, वो स्टोर कर देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि इस इनपुट के बारे में, तो यहाँ पे इनपुट देखिए क्या है, इनपुट 1 है 4 और
इनटू इनपुट टू, तो फोर इंटू टू इज इक्वल टू एट प्लस इनपुट वन माइनस इनपुट टू, तो इनपुट वन है फोर माइनस टू इज गोइंग टू बी टू, तो जो रिजल्ट होगा 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखिए इस कैलकुलेट में क्या कर रहा है कि जो आउटपुट है वो 10 को स्टोर करके रखा हुआ है। तो इस कैलकुलेट का सिंपल फंक्शन क्या है कि किसी भी एल्गोरिदम को जो आप इस इंस्ट्रक्शन को फीड करेंगे, इनपुट जो भी होगा उस इनपुट को उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा वो आउटपुट में जा करके स्टोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो दूसरे इंस्ट्रक्शन है ऐड, राइट। इट विल सिंपली ऐड द इनपुट वन एंड इनपुट टू, वॉट एवर वैल्यू हैज बीन गिवन टू इनपुट वन इनपुट टू, जस्ट इट विल ऐड देम एंड स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इनपुट में 15 है एंड 14 है, तो 15 प्लस 14 इज गोइंग टू बी 29, तो यहाँ पे 29 स्टोर करके रखा हुआ है। इन द सेम फैशन दिस इंस्ट्रक्शन विल सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द इनपुट 15, है ना, मतलब सब्सट्रैक्ट फ्रॉम क्या, इनपुट 15 टू किसको, इनपुट 2 को, तो 15 में से 7 जब सब्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट क्या है, 8 है। मल्टीप्लाई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, तो मल्टीप्लाई में क्या करेगा कि वॉट एवर वैल्यू इनपुट 1 हैज इट विल बी मल्टीप्लाई टू इनपुट 2, सो इनपुट 1 हैज 8 एंड इनपुट 2 हैज 4, सो 8 एंड 4 इज गोइंग टू बी 32, 32 हैज स्टोर द मेमोरी लोकेशन विच हैज बीन गिवन इन आउटपुट, राइट। यहाँ पे उसी तरीके से डिवीजन है, डिवीजन का इनपुट 1 है 20, इनपुट 2 है आपका 2, सो 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10, 10 क्या होगा आपका कोशेंट है, राइट। बट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका मोड, और इस मोड में क्या है, इनपुट 1 14 है और इनपुट 2 5 है, तो 5 से जब हम लोग 14 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका इस मोड में रिफ्लेक्ट करेगा और वो होगा 4, क्योंकि 5 टू से 10, 10 होगा और जो रिमाइंडर होगा सब्सट्रैक्ट होकर के 14 में से 10 जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा 4, और वो 4 यहाँ पे इस आउटपुट में स्टोर है। उसी तरीके से यहाँ पे है ये निगेट, इस निगेट में हम लोग क्या करते हैं कि इसका कुछ नहीं, जो भी वैल्यू है उसका जस्ट ए मैग्नीट्यूड को चेंज कर देता है, मतलब आपका ये क्या है पॉजिटिव मतलब वैल्यू है तो उसको सिर्फ निगेटिव साइन के साथ है जस्ट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ निगेट में कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में क्या है कि देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू इसका डेटा टाइप रियल लिया है जबकि सबका डेटा टाइप इंटीजर लिया है, ठीक है ना, तो एब्सोल्यूट है मतलब एब्सोल्यूट था इसके लिए हमको इसका रियल लेना पड़ा, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, 5.4 दिए हैं, तो 5.4 को ए राउंड फिगर में करके और यहाँ पे क्या दिखा रहा है 5, जबकि अगर इसको हम डीएक्टिवेट करके इसका इनपुट को अगर हम चेंज कर दें और यहाँ पे इस 5.4 है इसको अगर हम कर दें 5.5, तो ये कितना दिखाना चाहिए, जैसे ही 5.5 करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए अब वो दिखाना चाहिए 6, तो देख लेते हैं कि ये 6 दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अगर वो दिखा रहा है कहने का मतलब मेरा जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रक्शंस है ये प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है ना। तो बस एक मिनट वेट करिए और यहाँ पे देख लीजिए कि वेदर दिस इंस्ट्रक्शन इज फंक्शनिंग परफेक्टली और नॉट, राइट। यहाँ पे रन मोड में आया और देखिए यहाँ पे 5.5 हैज बीन एब्सोल्यूटेड टू 6, तो यहाँ पे देखिए दिखा दिया 6, मतलब जैसे ही कोई वैल्यू का 0.5 आ जाएगा तो उसको ये नेक्स्ट वैल्यू के साथ उसको क्या करेगा राउंड फिगर में लाएगा, और जैसे ही 0.5 से कम है मतलब 4 है 3 है 2 है 1 है समथिंग इस तरीके से, तो उसको जो उसका नियरेस्ट वैल्यू होगा उससे राउंड फिगर में करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लासेस हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कोई सजेशंस है तो वो आप कमेंट में लिखिए, वो हमको जस्ट हमारे नेक्स्ट लेक्चर को बनाने में सपोर्ट करता है, है ना। और हम लोग अगले क्लासेस में जस्ट बात करेंगे जो इस मैथ इंस्ट्रक्शन में आपका दो इंस्ट्रक्शन बचा रह गया, एक बचा रह गया इंक्रीमेंट और एक रह गया डिक्रीमेंट, इस दोनों इंस्ट्रक्शंस को हम लोग मतलब एक सेपरेट क्लास में इसका यूज करेंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी सजेशन जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।